बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मिर्ज़ा आबिद हसन ऑफिशियल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है माँ, दुनिया की सबसे कीमती हस्ती। शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत अनमोल है, और वह शख्सियत माँ है। हाँ, वो माँ ही है जिसकी सारी खुशियाँ औलाद की खुशी में छुपी होती हैं। माँ वो है जो औलाद को दुखी देखकर तड़प उठती है और औलाद की खुशियों से पुरसकून रहती है। यही वजह है कि जन्नत जिसकी आरजू हर मुसलमान बल्कि हर इंसान को है, वो जन्नत इस अजीम हस्ती के कदमों के तले है। और वो माँ ही है जो औलाद के लिए दुआ करे तो वो दुआ कभी रायगां नहीं जाती। इसलिए खुशकिस्मत होती है वो औलाद जो माँ की दुआओं की हकदार बन जाती है। औलाद को भी अपनी माँ बहुत अजीज़ होती है और इसे माँ की बहुत हिदमत करनी चाहिए। माँ का मकाम जो बेपना इज्जत एहतराम वाला है, चनाचे माँ के सामने गुस्साही करना बड़ा गुनाह है। माँ की दुआ में बड़ा असर होता है और माँ की दुआ बहुत जल्द और ज़रूर कबूल होती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। अपने वालदैन की हिदमत और उनकी इज्जत करने के साथ साथ बड़ों और असाज़ा का एहतराम करें। झूठ से हमेशा परहेज करें, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए और तलावत कुरान को भी आदत बनाना ज़रूरी है। आखिर में कुछ अशआर माँ के लिए। अखियां करन सवाल नी माए, कदी ते पुछ ले हाल नी माए, तेरे बाजू तेरी कस्में, दिन बन गए ने साल नी माए, तेरियां यादा मेरे वेड़े पावन रोज दमाल नी माए, मेरे नाल जमाना चलदा नित नवें इक चाल नी माए, सारे रिश्ते मतलब देने किन्नों दसा हाल नी माए, अज भी तेरी रात ए बया दीवे रखे बाल नी माए। इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी माँ है, मेरे लिए साया दीवार मेरी माँ। इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी माँ है, मेरे लिए साया दीवार मेरी माँ। नफ़रत के जज़ीरों से मोहब्बत की हदों तक, नफ़रत के जज़ीरों से मोहब्बत की हदों तक, बस प्यार है, हाँ प्यार है, बस प्यार मेरी माँ।